हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये जो अपनी यूनिट चल रही है इसमें टोटल चार ही कायदे के टॉपिक थे। पहला एटॉमिक रेडियाई हमने आपको करा दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी करा दिया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी करा दिया। ठीक है, सारे के सारे नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे बढ़ा दिए गए हैं। बहुत ही आसान है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आज एक बच्चे का फोन आया तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए BD KDN BSC और ज्वाइन कर लीजिए। वो सारा चैनल है, चीजें वहां पे पड़ी रहती हैं। आज का अपना इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है सर, तो अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। ठीक भैया, तो हमने लिख दिया किसी मॉलिक्यूल में एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर, अपनी ओर खींचने की क्षमता। विद्युत ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस। निगेटिविटी, लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर कितना माइनस भरा हुआ है। तो यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों को, माइनस को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। निगेटिव, जो निगेटिव आदमी होता खींचती भी नहीं, निगेटिविटी हमेशा उसकी तरफ रहती है। हम हमेशा कहते हैं जो आदमी एक जगह कामयाब होता है वो ज्यादातर जगह पर कामयाब नहीं तो एवरेज तो होगा ही। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, अगर आपने देखा कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल बुद्धू टाइप, उसे लूडो बैठा दीजिए खेलने के लिए, लूडो में उसकी गोटी पेटती रहेगी जबकि पासे का खेल है। क्योंकि ओवरऑल वो केवल पासे का खेल नहीं है, दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि गोटी चली कैसी जाएगी। तो निगेटिविटी है मतलब क्षमता है, निगेटिविटी हमेशा माइनस को अपनी तरफ खींचते रहेंगे। तो किसी मॉलिक्यूल में एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। इसका मेन कारण क्या, मेन रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग होना और आयनिक रेडियस का भी अलग अलग होना होता है। जैसे मान लिया Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो क्या बना? Cl नेगेटिव। ठीक, Cl ने खींचा एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इनके ऊपर क्या आ गया? माइनस। प्लस जो एनर्जी है, ये जो टेंडेंसी इनकी, जो ये क्या बोलते हैं हम लोग इसे, पावर, ये जो इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। ये एक पावर है। ठीक है, जैसे हर चीज की एक पावर होती है। पावर का मतलब क्या है कि मान लिया कोई समोसे वाला, उसकी अपनी एक पावर है कि हम कस्टमर खींचते हैं बहुत तेज, अच्छे अच्छे क्वालिटी होगी तो आएगा सर। उसी तरीके से क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17। तरीके से क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17। लो भैया, क्लोरीन का नंबर 17 का मतलब बनता है 2, 8, 7। बाहरी कितने हैं? 7। तो इनमें ये गुण है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पूरे कितने कर लेंगे भाई साहब? 8 पूरे कर लेंगे। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बताएं आपको तो यहां देखिए अगला नंबर ये है। ये देखिए सर, उसके बाद हमने लिख दिया बिल्कुल वैसे ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो कौन से कारक होते हैं? नंबर एक होती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है भैया? लीजिए देखिए, हमने आपको बताया था सब में बिल्कुल सेम है, जो आईपी में चलेगा वही, कल हमने आपको बताया था कौन कौन सा बताइए, जो आईपी में चलेगा वही ईएन में चलेगा, वही ईए में चलेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने एक याद कर लिया, जो लोग 3 दिन से क्लास देख रहे हैं, आईपी, ठीक है, ये सबसे पहले ये क्लास आया था, फिर कल ये आया था, आज आ गया है ईएन यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हमने क्या लिखा था, एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि वैलेंस शेल बिल्कुल लिखा ही वही है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर आईपी की वैल्यू भी कम होती है, ईए की भी कम होती है, ईएन की भी कम होती है, तीनों कम होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 3 वीडियोस में बता चुके हैं स्लेटर रूल। ठीक है, जेड इफेक्टिव यानी कुल मिलाकर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे ईएन की वैल्यू भी बढ़ती है, तीनों की बढ़ती है। सर आपने अगर एक पहला वाला क्लास पढ़ लिया तो बाकी सारे बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। पेनिट्रेशन इफेक्ट, 3 क्लासों में आपको बता चुके, पेनिट्रेट करना मतलब अंदर घुस जाना। ठीक है, और एस वाले के लिए जो है ईएन की वैल्यू जो है सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही शील्डिंग इफेक्ट, हमने आपको बताया था शील्डिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, कवर करना, ठीक, किसी चीज की सुरक्षा करना, उसे कहते हैं शील्ड। लोग कहते हैं शील्ड के अंदर है यानी प्रोटेक्शन में। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स जो है कम हो जाता है, जिससे ईएन की वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है, फिर बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क पड़ता है? तो अलोंग अ पीरियड, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ईएन की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ईएन की वैल्यू ही बढ़ती है भाई साहब। ठीक, अगर ईएन की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब आईपी की वैल्यू भी बढ़ेगी और इसका मतलब ईए की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी तीनों वैल्यूज भाई साहब बढ़ेगी। ठीक है, तो एक याद करिए, एक के साथ में 2 फ्री में। अलोंग अ ग्रुप, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर ईएन की वैल्यू
कम हो जाती है, ठीक है। यानी सबसे पहला जो क्लास हमने पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, वो वाला क्लास आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद ये दोनों क्लास जो है वो फ्री में आ जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ईएन ऑन केमिकल बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। यदि ईएन की वैल्यू अधिक है तब ऐसे एलिमेंट्स बहुत अधिक एक्टिव होते हैं। पहले वाले में हमने ईएन किया आईपी लिखा होगा, एक में फिर ईए लिखा होगा, आपकी ईएन लिख दिया। ईएन माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ईएन की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। यदि दो एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम होता है, यहां देखिए लिखा हुआ एडिटिंग में थोड़ा सा रह गया है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है बल्कि ये यहां पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जगह पे हो जाएगा ईएन का डिफरेंस बहुत कम है, तब इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एडिटिंग हमने लिख दिया है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी एक बार में कवर करेंगे। तीन चीजें होती हैं भैया, बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी नीड होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तीनों लगभग सेम है, एक आप याद करेंगे, एक के फैक्टर्स और सारी चीजें याद करेंगे तो बाकी दोनों बिल्कुल फ्री में आएंगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस यूनिट की जितने भी बड़ी बड़ी टॉपिक्स थे सारे कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, कुछ और छोटी छाटी चीजें हैं वो भी कराएंगे। मान के चलिए 15-20 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है वो किनारे हो जाएगा, और पेपर आपके होंगे मान के चलिए नवंबर से पहले तो नहीं होंगे क्योंकि अभी एडमिशन ही चल रहे हैं, तो अगर नवंबर में भी होते हैं तो आपका अक्टूबर के अंदर ही पूरा सिलेबस विद रिवीजन विद टेस्ट खत्म हो जाएगा। कुछ टेस्ट की भी व्यवस्था करी जाएगी, जो लोग देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे इसके नोट्स वगैरह शेयर कर दिया जाता है, यही पूरी पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, आप आसानी से लिख सकते हैं। BDKDN BSC टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करिए और आसानी से जुड़ जाइए। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।